Hello friends, welcome back to my channel Nanny Classes. And today we are going to learn direct and indirect speech rules of assertive sentences. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं. एंड टुडे वी विल लर्न रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज. असर्टिव सेंटेंस के रूल्स हम देखेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं और उनके क्या रूल्स होते हैं. ओके, लेट्स रिवाइज द रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस के हम रूल्स देखेंगे. सी नंबर वन, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच बाय द कंजंक्शन दैट. हम क्या करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कॉमा को हम रिमूव करते हैं एंड इन्वर्टेड कॉमा को भी हम रिमूव करते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता है और हम कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को. कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? डैट. डैट कंजंक्शन हम यूज करते हैं और जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा है उसका यूज नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में. द वर्ड्स सेज टू, से टू, विल से टू, सेट टू इन रिपोर्टिंग वर्ब आर कन्वर्टेड इन टू टेल्स, टेल, विल टेल और टोल्ड इन एन इनडायरेक्ट स्पीच. और क्या होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू होता है ये चेंज होता है किसमें? टेल्स में. और से टू चेंज होगा टेल में. विल से टू चेंज होगा विल टेल में. ओके, तो सेज टू को हम चेंज करेंगे टेल्स में, से टू को चेंज करेंगे टेल में एंड विल से को चेंज करेंगे विल टेल में. जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच को, तो सेज टू चेंज होगा टेल्स में, से टू टेल में, विल से टू विल टेल में चेंज होगा. और टोल्ड इन एन इनडायरेक्ट स्पीच, सेट टू चेंज होगा टोल्ड में. सेट टू किस में चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने में? टोल्ड में चेंज होगा. ओके, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज. लेकिन अगर क्या होगा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है. रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा. ओके, हमें देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जो वो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको उसका वो सेंटेंस सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या करेंगे, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज एज फॉलोज. तो हम देखेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है पास्ट टेंस में है तो ये रूल्स फॉलो होंगे. व्हाट आर द रूल्स? सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा. अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तब, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. ओके, और जो पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. एंड पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज. एंड जो फ्यूचर टेंस है वो चेंज होगा सिंपल फ्यूचर किस में होगा, जो विल एंड शैल है वो चेंज हो जाएगा वुड एंड शुड में. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो विल और शैल वुड और शुड में चेंज होगा. और जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है विल बी शैल बी वो चेंज हो जाएगा वुड बी शुड बी. ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस will have and shall have change हो जाएगा would have and should have में. and future perfect continuous tense will have been shall have been change हो जाएगा would have been should have been. okay, and if there is a universal truth, अगर universal truth है reported speech में the tense will not change whether it is in the past tense. तो tense change नहीं होगा
चाहे ये पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, ये चेंज नहीं होगा। ओके, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। जब क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि सन ईस्ट से राइज होता है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट से राइज करता है, तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, नाउ वी विल सी सम सेंटेंसेस, सम एग्जाम्पल। द चाइल्ड सेज टू हर मदर आई वॉन्ट मिल्क। तो चाइल्ड अपनी मदर से कहता है कि मुझे मिल्क चाहिए। तो यहाँ पे सेज टू किस में चेंज होगा, हमने बोला था टेल्स में। तो द चाइल्ड टेल्स हर मदर, और कौन सा कंजक्शन यूज होगा, डैट, एंड आई किस में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड टेल्स हर मदर, उसकी मदर ने कहा है, तो अब मदर क्या है, एक फीमेल है, उसके लिए शी यूज होता है। तो ये यहाँ पे बोलेगा शी वॉन्ट्स मिल्क, मदर ने अपने बच्चे से कहा मुझे मिल्क चाहिए। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बच्चा बता रहा है हमें कि बच्चा मुझे बता रहा है कि चाइल्ड ने अपने बच्चे से कहा, द चाइल्ड टेल्स हर मदर, अपनी मदर को बताया कि शी वॉन्ट्स मिल्क, कि उसे मिल्क चाहिए। ओके, तो यहाँ पे चेंज हो गया सेज टू, चेंज हो गया टेल्स में। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेज टू क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट है तभी जो सेज है वो टेल्स में कन्वर्ट होता है। ओके, अगर यहाँ पे होता द चाइल्ड सेज आई वॉन्ट मिल्क, चाइल्ड ने कहा मुझे मिल्क चाहिए, तो यहाँ पे होता द चाइल्ड सेज दैट शी वॉन्ट्स मिल्क, यहाँ पे चेंज नहीं होता। ये सेज तभी चेंज होगा टेल्स में जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हर मदर ऑब्जेक्ट है, डेट्स वाई जो सेज है वो किस में चेंज हो गया, टेल्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी, परी सेड टू अजय, परी ने अजय से कहा आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द डांस कॉम्पिटिशन, मैंने डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे परी सेड टू अजय, सेड टू किस में चेंज होगा, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टोल्ड में। और ये क्या है, आई हैव पार्टिसिपेटेड, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो परी टोल्ड अजय, तो कंजक्शन यूज होगा डैट, शी हैड, आई हैव उसने बोला है, डायरेक्ट वर्ड है बट हम अपने वर्ड में बोल रहे हैं। तो परी ने उससे कहा कि सी हैड पार्टिसिपेटेड इन द डांस कॉम्पिटिशन, उसने किस में पार्टिसिपेट किया, डांस कॉम्पिटिशन में। ओके, मोहित सेड टू द बॉयज, अब सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। मोहित टोल्ड द बॉयज आई एम ज्वाइनिंग योर बैच फ्रॉम टूडे, मैं तुम्हारा बैच आज से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अब आई चेंज हो जाएगा ही में, एंड कंजक्शन डैट से ये ज्वाइन हो जाएगा। एंड आई एम ज्वाइनिंग, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ही वॉज ज्वाइनिंग देयर बैच फ्रॉम डैट डे, टूडे किस में चेंज हो जाता है, डैट डे में। तो मोहित ने उसे बताया कि वो उसके ज्वाइन कर रहा है बैच कब से, उस डैट डे से। टूडे किस में चेंज हो जाएगा, डैट डे में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि एसेटिव सेंटेंसेस के रूल्स हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।